कभी भी परमेश्वर ने इंसान को बनाते समय उसमें कोई कमी नहीं रखी ताकि हर हालात में वो सफल हो। हमारे हर पाप के बाद भी परमेश्वर ने अपना वादा पूरा किया कि ना तुम्हें मैं कभी छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। हम जब परमेश्वर से दूर होकर कुछ करना चाहते हैं तो या तो वो पाप होता है या फिर हमारी अहंकार की भावना हमें ऐसा करने पर उकसा देती है और हम फेलियर की तरफ चलते हैं। आज का हमारा विषय है Why am I unsuccessful? शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने भजन संहिता 40 उसका पहली आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, मैं धीरे से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुक कर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुत तेरे ये देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह ना फेरता हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं। जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी हैं, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोल कर उनकी चर्चा करूँ परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। प्रभु यीशु ने हमें शैतान और पाप के शिकंजे से छुड़ा लिया है, लेकिन परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बनकर भी हमारे जीवन में इतनी जल्दी कोई बदलाव क्यों नहीं आता है? पहला शमूएल उसका चौथा और पांचवा अध्याय अगर हम देखें तो वहां इजरायली फिलिस्तियों के साथ लड़ते हैं और एली जो चीफ प्रीस्ट है उसके लड़के परमेश्वर की वाचा का संदूक भी लड़ाई में ले जाते हैं और जब इजरायली हार कर भागते हैं तो वाचा का संदूक फिलिस्तियों के पास चला जाता है और फिर उसे वो एशडोड जो शहर है उसमें रखते हैं। लेकिन वहां पर लोगों के शरीर पर ट्यूमर या फोड़े होने लग गए। फिर वो आर्क बहते एक्रोन में, वहां पर भी यही होता है। फाइनली फिलिस्तीन लोग परमेश्वर की वाचा के संदूक को इजरायली एरिया में बेतशमेश में भेज देते हैं। परमेश्वर की हजूरी साथ में होना सफलता का प्रतीक नहीं है, लेकिन यह है कि हम परमेश्वर के साथ हैं क्या, जो कि फिर ये वायदा करते हैं हमें सफलता देने का और उसका वो यकीन भी कराते हैं। यूहन्ना पहले की 12वीं आयत में लिखा है, जितनों ने उसे विश्वास किया और उन्हें परमेश्वर के बच्चे होने का अधिकार मिल गया। इस पर दो कंडीशंस हैं, पहला है ग्रहण करना और दूसरा विश्वास करना। हम ग्रहण करते हैं परमेश्वर को उनके सामने अधीनगी में सरेंडर करके। जो पहले ही भरा हुआ है उसमें क्या डाला जा सकता है, हमें अपने आप को खाली करना पड़ता है, अपने आप से निकलकर उनके सामने झुकना पड़ता है, अपने आप को उनके सामने समर्पण करना पड़ता है, आज्ञाकारिता में आना पड़ता है। परमेश्वर के वचन की गवाही देना हमारे विश्वास को दृढ़ करता है, आज्ञाकारिता में वचन की आज्ञाकारिता में चलने में हमें और विश्वास में चलने में हमें सहायता करता ताकि हम भटके ना। रोमियों की पुस्तक 10वां अध्याय 17वीं आयत में लिखा है, विश्वास आता है सुनने से और सुनना मसीह यीशु का वचन। और ये जो सुनना है ये कानों से सुनने से थोड़ा ज्यादा है। व्यवस्था विवरण 6वें अध्याय 4वीं आयत में मूसा ने इजरायलियों को एक आदेश दिया, हे इजराइल सुन। इसे शिमा प्रेयर कहते हैं जो कि इजरायली दिन में कई बार कहते हैं। इब्रानी भाषा का शब्द शिमा जो है ये सुनने से ज्यादा है। शिमा का मतलब है सुनना, समझना और जिस सेंस में जिसके बारे में कहा गया उसे समझकर उसके अनुसार चलना। मत्ती 17:5 में रूपांतरण के समय प्रभु यीशु के ऊपर वो शकीना ग्लोरी महिमा का बादल उतर आता है और उसमें से परमेश्वर की आवाज आती है और वो कहते हैं, ये मेरा प्यारा पुत्र है जिसमें मैं बहुत प्रसन्न हूं, इसकी सुनो, हियर हिम। और जो ग्रीक भाषा का शब्द यहां इस्तेमाल किया गया है वो है एक्यूटे, जिसका मतलब है सुनना, और ये आता है अक्यो से जिसका मतलब सुनना, समझना और जिसके बारे में जिस सेंस में कहा गया वो उसके अनुसार चलना, जो शिमा के बारे में पहले हमने कहा था। मत्ती 13:11-13 में प्रभु यीशु ने चेलों को कहा कि मैं दृष्टांत में इसलिए बात करता हूं कि जिनको जिनके लिए स्वर्ग राज्य की के भेद नहीं समझने हैं ताकि वो समझ ना सकें, क्योंकि देखते हुए वो देख नहीं सकते हैं और सुनते हुए वो सुनते भी नहीं हैं।
याकूब की पुस्तक दूसरा अध्याय 19वीं आयत में याकूब अपोस्टल जेम्स याकूब जो कि प्रभु यीशु के भाई हैं वो विश्वासियों को कहते हैं कि तुम मानते हो कि परमेश्वर एक है, अच्छा है, लेकिन शैतान जो दुष्ट आत्मा है वो भी मानती हैं और थरथराती हैं। शैतानी आत्मे शैतान और दुष्ट आत्माएं डरती हैं लेकिन उसे स्वीकार नहीं करती, ग्रहण नहीं करती हैं। यूहन्ना 11 के 47 और 53 आयत में जो चीफ प्रीस्ट और फरीसी थे उन्होंने कहा अब हम क्या करें क्योंकि ये इंसान प्रभु यीशु इसने बहुत चिन्ह चमत्कार किए हैं। फिर वो 53 आयत में कहते हैं कि लिखा है उस दिन से उन्होंने उन्हें मारने के लिए प्लान बनाना शुरू कर दिया। विश्वास करना ग्रहण करने के बिना किसी मतलब का ही नहीं है, जैसे कि दुष्ट आत्माओं के बारे में कहा। यिर्मयाह 17 की 10वीं आयत में परमेश्वर द्वारा आशीष देने का जो तरीका है बिल्कुल क्लियर है, वो मनों को जानते हैं और वो ही सर्चेज द हार्ट एंड टेस्ट द माइंड, ताकि हर एक इंसान को उसके कामों के द्वारा कामों के अनुसार उसे इनाम दिया जा सके जिस जो कि उसके कामों से वो मिलता है। व्यवस्था विवरण 10 की 16 में परमेश्वर कहते हैं मैं चाहता हूं कि तुम अपने मन का खतना करो। मन जो के रिजर्वेशंस कवरिंग हर तरह के जो भेद जो बनाए हुए अपने सीक्रेट हमने अविश्वास के बना रखे अपने मन में, इन सब को निकाल कर खाली करके खतना करके उसके सामने जाना। परमेश्वर के सामने अपने मन को खोलना है, वो ये वो अपने आप से नहीं कर सकता है, ये आता है सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा सिखाए जाने के साथ साथ उनके द्वारा गाइड किए जाने के साथ। अफसियों की पुस्तक 5वां अध्याय 26वीं आयत में पौलुस रसूल इसे क्लियर कर देते हैं कि प्रभु यीशु के द्वारा जो ये होता है पवित्र आत्मा हमें सैंक्टिफाई करते हैं, अलहदा कर देते हैं, सेट अपार्ट कर देते हैं और फिर हमें पानी के द्वारा वचन के साथ वो वॉश कर देते हैं, धो देते हैं। सफलता जब हम विश्वास में आ जाते हैं इमीडिएट, ये नहीं कि अश्योर हो गया आज हमने कहा प्रभु यीशु आप हमारे परमेश्वर हैं उसी समय हम सफल हो गए हर चीज में, लेकिन ये हमारा इस बात पर निर्भर है कि हम कितना नजदीक उनके जाते हैं, कितनी गहराई है हमारे रिश्ते की परमेश्वर के साथ। जब ये होने लग जाता है तो फिर तो जो सफलता का मतलब ही बदल जाता है। फिलिप्पियों 4:12 में पौलुस रसूल कहते हैं कि मैं कमी में भी बहुतायत में भी हर चीज में प्रसन्न रहना सीख गया हूं। पौलुस रसूल ने अपने आप को इतना समर्पण कर दिया था, इतना नजदीकी में चले गए थे परमेश्वर के कि वो कहते हैं मेरे लिए मरना लाभ है, उनके पास जाना प्रभु यीशु के पास जीना भी मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि फिर मैं वचन सुनाता रहूंगा लोगों को। इतनी नजदीकी के रिश्ते में जब हम आते हैं तो बंद दरवाजे अपने आप ही खुलने लग जाते हैं, सफलता अपने आप ही मिलने लग जाती है। फिर किसी भी विश्वासी के लिए सफल होने का क्या रास्ता है? जो विश्वासी या बिलीवर शब्द है उसी में ही तो इसका उत्तर है। स्वर्गीय डॉक्टर आर.सी. स्प्रॉल थे, ग्रेट फिलोसोफर और प्रीचर थे अमेरिका में। उन्होंने कहा बात यह नहीं है कि हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं, लेकिन बात यह है कि क्या हम उस परमेश्वर में और उसके वचन में विश्वास करते हैं जिस पर हम विश्वास करते हैं। जिस परमेश्वर हम यहोवा परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं उसका वचन है ये, क्या हम उनके वचनों पर भी वैसे ही विश्वास करते हैं? जरूरी ये हो जाता है, हमें ये जांचना पड़ेगा। एक विश्वासी के लिए आशीष जो है वो सब कुछ रिस्टोर कर दिया गया जो आदम ने आदम बाग में खो दिया था अपने आज्ञाकारिता से बाहर निकलने के कारण। उसने खोया क्या था? पहला उसकी पोजीशन थी, एक रूलर उसे बनाया गया था, धरती पर जो चीज थी सब पर उसे अधिकार दिया गया था। दूसरा परमेश्वर के अनुग्रह में जो उसके उसकी स्थान था आदम बाग में उसने वो खो दिया, वहां से उसे निकाल दिया गया। तीसरा परमेश्वर के साथ फेलोशिप और सहभागिता उसकी वो खत्म हो गई। चौथा परमेश्वर उसके प्रोवाइडर नहीं रहे, उसे अभी अपनी मेहनत के साथ काम करके अपने लिए प्रोवाइड करना पड़ा। पांचवा है वो जो बहुतायत का जीवन वो खत्म हो गया, बीमारियां कांटे और कटेरे उसके जीवन में आने लग गए, बीमारियां आ गई, मौत आ गई।
परमेश्वर ने इंसान को बनाया कि वो एक सुपीरियर अथॉरिटी के अधीनगी में रहे, ना कि शरीर की जो पांच सेंसेस हैं उनके अधीन। जो सुपीरियर अथॉरिटी है वो आत्मा के द्वारा काम करती है, जो छठा जैसे हम सिक्स सेंस कहते हैं लोग अभी आजकल। आदम ने शैतान की अधिकार को, उसकी अथॉरिटी को मान लिया, उसको उसके अधीनगी में चला गया उसकी बात मानकर, और परमेश्वर के कंट्रोल को उसने छोड़ दिया। जो नया स्वामी था उसने इंसान को अपने ऊपर, अपने राज्य के ऊपर डिपेंडेंट कर लिया। और उसके राज्य में क्या होता है? नया कुछ नहीं बनता, क्रिएशन नहीं है, उसके पास पावर नहीं है। जो परमेश्वर ने बनाया हुआ उसे ही दोबारा इस्तेमाल करके उसे ही इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके कारण सदा के लिए कमी है, और जो रिसोर्सेज हैं वो भी कुछ लोग कंट्रोल कर रहे हैं। प्रभु यीशु ने वो सब कुछ हमें बहाल कर दिया जो हमने शैतान को खो दिया था, और अब पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें, जो हमारे भीतर हैं, एक विश्वासी को प्रार्थना करने और परमेश्वर की आज्ञा में चलने में सहायता करते हैं। क्योंकि रोमियो 8:27 के अनुसार पवित्र आत्मा परमेश्वर परमेश्वर के मन की बात को जानते हैं। कुलूसियों 1:13 में अगर हम देखें, यहां लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के वर्ष से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। पुत्र के राज्य में हमें प्रवेश करा दिया उन्होंने प्यार के द्वारा। फिलिप्पियों 3:20 में कहा गया, हमारी जो सिटीजनशिप है वो स्वर्ग में है, हम स्वर्ग के राज्य के सिटीजन हैं। लूका 17:20-21 आयत में प्रभु यीशु ने फरीसियों को कहा कि जो स्वर्ग राज्य है वो दृष्ट देखने दिखावट देखने में नहीं आता है, क्योंकि स्वर्ग राज्य तुम्हारे भीतर है। परिसियों के भीतर नहीं, विश्वासियों के भीतर। स्वर्ग राज्य है क्या? परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग राज्य क्या है? ये एक प्रोसेस हम कह सकते हैं, एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है जिसके द्वारा परमेश्वर अपना गवर्न कंट्रोल करते हैं, और फिर वो राजा या लॉर्ड बनकर हमारे ऊपर हर चीज के ऊपर अपना अधिकार बनाकर उसे चलाते हैं। और ये जो है चलाना है जो यहां दुनिया धरती के ऊपर, इसके बारे में। योसेफ को एक सपना आता है, वो अपने भाइयों और अपने पिता को अपने सामने झुकता हुआ देखता है, लेकिन वो एक दास बनाकर बेच दिया जाता है। इस दौरान उसको वो कैसे स्थिरता में रहता है? उसे परमेश्वर की एक विधि के बारे में उसे एक दृष्टांत मिलता है। उसे पता है कि जो ये प्लान चल रही है इसमें जो कई कैरेक्टर्स हैं, लेकिन प्लान के अनुसार वो होगा जो मुझे दिखाया गया। उत्पत्ति 45:8 में फिर वो अपने भाइयों को कह सकता था, उसने कह दिया कि तुमने मुझे यहां नहीं भेजा लेकिन परमेश्वर ने भेजा। हम स्वर्ग राज्य से प्राप्त कैसे करते हैं? गलातियों की पुस्तक 3:13 में लिखा है, प्रभु यीशु ने हमें व्यवस्था के श्राप से निकाल लिया है क्योंकि वो हमारे लिए श्राप बन गए। व्यवस्था के अनुसार हमें लगातार कुछ ना कुछ काम करते रहना है, और जिसके द्वारा फिर हमें अपनी पापों की माफी मिलती है। इब्रानियों की पुस्तक 4:9-11 आयत तक लिखा है, प्रभु यीशु ने जो कमी थी उसे पूरा कर दिया, और फिर हमें परमेश्वर के आराम में, उसके रेस्ट में हमें पहुंचा दिया। वो रेस्ट कौन सी है? उत्पत्ति 2:2-3 आयत में, जो परमेश्वर ने आदम को दी। परमेश्वर ने आदम को छठे दिन बनाया खत्म होने से पहले। यहूदियों की कैलकुलेशन के अनुसार दिन खत्म हो, नया दिन शुरू होता है सनसेट के समय पर, और अगले दिन सनसेट तक चलता है। तो परमेश्वर ने उस समय उसे बनाया, और इंसान उसकी रेस्ट में, आराम में चला गया। कोई सातवें दिन को परमेश्वर ने कुछ काम नहीं किया। ये जो रेस्ट है इसका मतलब ये नहीं कि कुछ करना नहीं है, परमेश्वर ही सब कुछ करेंगे, लेकिन ये है कि विश्वास में आगे बढ़ना है उनके उस रेस्ट के अंदर, और फिर परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे। सफल या ग्रेट लोग वो नहीं है जो कभी गिरते नहीं, फेल नहीं होते हैं, लेकिन वो हैं जो के हारना नहीं जानते। दे रिफ्यूज टू बी डिफीटेड। मौसम हमेशा बदलता है, परिस्थितियां हमेशा बदलती हैं, लेकिन बहुत लोग बदलाव जब होने वाला या हो रहा होता है उस समय छोड़ देते हैं। हमारा विश्वास और चरित्र इन्हीं बातों में टेस्ट किया जाता है, क्योंकि हमें परमेश्वर के इमेज और लाइकनेस में बनाया गया है, और हमें उनकी तरह ही रहना है। परमेश्वर निराश हो गए इंसानों से,
और लेकिन उन्होंने नूह के द्वारा एक और चांस दिया। वो इसराइलियों से निराश हो गए और वो एक मूसा के थ्रू एक और कौम बनाना चाहते थे, लेकिन फिर वहां उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने इसराइलियों को जब दाऊद ने गिनती कर दी आज्ञा के बिना, एक प्लेग उनके ऊपर आ गई, लेकिन परमेश्वर ने किसी भी परिस्थिति में उनको छोड़ा नहीं, बार बार उन्हें एक नया चांस देते गए। वो सब जानते हैं हमारे बारे में, लेकिन वो चांस देते हैं। प्रेरितों के पुस्तक 9वां अध्याय, अनानियस को सौल के पास परमेश्वर भेजते हैं, लेकिन वो जाना नहीं चाहता है, क्योंकि सौल जो बाद में इतना बड़ा एवेंजलिस्ट बन जाता है अपोस्टल पॉल, वो उस समय परसिक्यूट कर रहा है विश्वासियों को। लेकिन उसी एवेंजलिस्ट ने इंटरप्रेट किया परमेश्वर के वचन को, और जो उसके अपिस्टल हैं, उसके पत्रियां हैं, उनके द्वारा हमें वचन बताया। परमेश्वर हमारे लिए आशीषें दो तरीकों से स्थापित करते हैं। पहला है प्रकाशन के द्वारा। उत्पत्ति 2:19-20 में आदम के पास परमेश्वर सब जानवरों पक्षियों को लेके आते ताकि उसे वो उनका नाम दे। इसके द्वारा परमेश्वर उसे बताते हैं कि तुम्हें में सब ये बुद्धि और ज्ञान है कि तुम ये कर सकते हो, तुम्हें किसी और सोर्स की बुद्धि ज्ञान की जरूरत नहीं है। दूसरा है Matthew 5:3, वो बीएटीट्यूड्स का जो पहला ही है, वो कहते हैं धन्य है वो जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। जो ये धन्य हैं वो प्रेजेंट स्टेट है, कहीं भविष्य में नहीं होना है, कहीं हो नहीं चुका पुराना। जो दीनता है, पुअर जो है, ये वो है जो अपनी आत्मिक पॉवर्टी को समझता है, आत्मिक कंगाली को समझता है, जो बिल्कुल झुक जाता है, डेस्टिट्यूट, कंप्लीट डिपेंडेंस किसी के ऊपर आ जाती है, जिसके अपने ऊपर नहीं दूसरे पर डिपेंडेंस, जो पूरी तरह से वह परमेश्वर के सामने झुक जाता है ताकि वो फिर भरा जा सके, आशीष पाए। जो इस प्रकार का जो कॉन्टेक्ट है परमेश्वर के साथ, ये नहीं कि मैं क्या दे सकता हूं उसे, पर ये है कि मेरे पास क्या नहीं है, क्योंकि इस खालीपन के बिना परमेश्वर में भर नहीं सकते हैं। जो वो देना चाहते हैं हमें वो दे नहीं सकते हैं। फिर यशायाह नबी की पुस्तक उसका 57 अध्याय उसकी 15वीं आयत अगर हम देखें, वहां लिखा है क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं और उसके संग भी रहता हूं जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। मैं आशीष देना चाहता हूं जो मन के खेदित लोग, जो पुअर इन स्पिरिट हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि बाय नेचर हम कंट्रोल करना चाहते हैं हर परिस्थिति को, तो हम वो छोड़ना नहीं चाहते, हम जो फाइनल रिजल्ट है वो भी कंट्रोल करना चाहते हैं, परमेश्वर की सहायता में हम नहीं चलना चाहते। और ये हम मांगते हैं प्रार्थना के द्वारा, और प्रार्थना जब हम करते हैं बहुत बार हम ये कह देते हैं इमीडिएट, अभी प्रार्थना पा हमने की, या पास्टर को हम कहते हैं पास्टर साहब हमारे लिए प्रार्थना करो, साथी हम पास्टर साहब को कह देते पास्टर साहब ये मेरा इश्यू है, इसको जरा प्रार्थना में बनाए रखना। हमें यकीन नहीं है कि जो प्रार्थना की गई उसका उत्तर मिलेगा। अगर जब उस समय प्रार्थना की गई उसका उत्तर नहीं मिलना है, तो आगे जाके कब उत्तर मिलेगा? कहां लिखा गया है कि बार बार वो उसी चीज के ऊपर प्रार्थना करो? धन्यवाद में बने, फिर हम विश्वास में बने, प्रार्थना की गई तो उत्तर मिलेगा ही मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? ऐसी दीनता में जब हम आते हैं तब हम फिर सफल होने की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन हम इस मन से दीन होने की अवस्था को कैसे पा सकते हैं ताकि हम आत्मिक, शारीरिक और आर्थिक तौर पे सफल हों? प्रभु यीशु कहते हैं मैं दाखला दाता हूं और विश्वास में हम उनमें ग्राफ्ट किए गए हैं। एक डाली जैसे उसमें ग्राफ्ट कर दी जाती है, उनमें हमें जोड़ दिया गया है ताकि हम उनके साथ एक हो जाएं। योहन्ना 17 में प्रार्थना में भी कहते हैं हम एक है, मैं उनमें और वो मुझ में। पहला योहन्ना 2:6 में जो ये एक होने का जो बाइंडिंग फैक्टर, किस चीज से हम बनते हैं, ये होता है, वहां लिखा है 2:6 में जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता है। जैसे वो चलते हैं उनकी तरह फिर हम चलना शुरू करते हैं, उनकी तरह हम काम करना शुरू कर देते हैं, पिता परमेश्वर को उनकी तरह निर्भर हो जाते हैं सदा के लिए।
परमेश्वर ने इंसान को बनाया एक आत्मा, तो उसे एक सोल दे दी और उस स्पिरिट और सोल को एक शरीर दे दिया, रहने के लिए घर दे दिया। पाप आने से पहले शरीर स्पिरिट और सोल के अंदर था, उसके अधीन था, और आत्मा में परमेश्वर उसके साथ थे जुड़े हुए, और आत्मा के द्वारा परमेश्वर, क्योंकि आत्मा है वो बात करते थे, आत्मा में परमेश्वर, जैसे अभी पवित्र आत्मा परमेश्वर हम में है। पाप आने के बाद में शैतान ने शरीर पर अधिकार कर लिया, वो उसके अंदर आ गया। आत्मा में परमेश्वर है और जो सोल है, जो अंतर्मन है, वो बीच में है। मत्ती 6:24 में अगर हम देखते हैं, प्रभु यीशु ये वार्निंग देते हैं कि कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है, और हर एक विश्वासी को हर पल, ये हर समय, हर परिस्थिति में ये डिसीशन लेना ही पड़ता है कि वो शैतान का जो झूठ है, जो शरीर के अंदर से बोल रहा है, उसको सुने या अपने, और उसके सुनते हुए अपने कामों से, अपने एफर्ट के साथ लग जाए। क्योंकि वो ये कहता है, ये छोटी सी बात है, तुम अपने आप कर सकते हो। जैसे यूसुफ को, जोशुआ को उसने आई के लिए, आई पर हमले के लिए भेज दिया था। दूसरी ऑप्शन क्या है, वो इस झूठ को छोड़ दे, परमेश्वर जो भीतर हैं उनको सुनने लग जाए, उनकी आज्ञाकारिता में, उनकी गाइडेंस में टोटल सरेंडर करके आगे बढ़े। ये नेचुरल है, हो गया है इंसान के अंदर कि वो इंडिपेंडेंट हो। उस इंडिपेंडेंस में वो शैतान की आज्ञाकारिता में चला जाता है, जो कि हर पल घुसना चाहता है। दूसरी तरफ परमेश्वर क्या करते हैं, वो अपने आप नहीं आते हैं, क्योंकि वो कहते हैं मांगो, ढूंढो और खटखटाओ। मांगने पर ही मिलेगा, ढूंढने पर ही वो आएंगे, खटखटाने पर ही दरवाजा खोलेगा, वो अपने आप नहीं आते। मत्ती 14:28-29 में आयत में हम देखते हैं, चेले तूफान में घिरे हुए थे, प्रभु यीशु देखते हैं वहां पहाड़ी पर प्रार्थना कर रहे थे, देखते हैं और फिर वो आ जाते हैं पानी पर चलते हुए। 12 चेले किश्ती में हैं, सिर्फ पत्रस रसूल ही परमिशन मांगते हैं कि प्रभु अगर आप हो तो मैं आऊं, वो कहते हैं आ जाओ। मार्कुस 9:23 में प्रभु यीशु ने जो वो गूंगा और बहरा लड़का था रूपांतरण के बाद में, उसे वो कहते हैं जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है जो विश्वास करता है। 12 चेले किश्ती में थे, लेकिन सिर्फ पत्रस रसूल ही बाहर निकलते हैं विश्वास में। किसी भी तूफान में जब हम गिर जाते हैं, आसान है पानी पर चलना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है पानी पर चलने में, क्योंकि वो पानी पर चलने के लिए मेरा बल नहीं है, परमेश्वर का बल है, उनका बल काम कर रहा है। लेकिन मुश्किल तो ये है कि उनको पूछना, उनकी परमिशन मांगना उस चलने के लिए, और दूसरा जो परिस्थिति, जो किश्ती में हम बैठे हैं उसके सिक्योरिटी में हम बैठे हुए हैं, उस सिक्योरिटी से बाहर निकलना। और वो किश्ती जो कि परमेश्वर के सहायता के बिना वैसी तूफान में गिरी हुई है, लेकिन हम वो किश्ती की सिक्योरिटी में रुकना चाहते हैं। पहला योहन्ना 1:6 वो कहते हैं, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। अगर हम अंधेरे में चल रहे हैं तो हम उसके साथ कोई हमारी सहभागिता नहीं है। योहन्ना 1:4 में लिखा है, वो योहन्ना नबी परमेश्वर के पुत्र के बारे में कहते हैं कि उनमें जीवन है और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति है, मनुष्यों की ज्योति है। उस जीवन के द्वारा, उस ज्योति में जब हम चलते हैं तो अंधकार के अधीन नहीं रहते। प्रकाशित वाक्य 21:7-8 अगर हम देखें तो हम ये देखते हैं कि उनके साथ सहभागिता कौन कर सकता है, परमेश्वर के साथ कौन उनकी उस पवित्र हजूरी में पहुंच सकता है, वो पहचान की गई है। वो कहते हैं, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। क्यों? जय पाएगा, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हथियारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का बाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती है, यह दूसरी मृत्यु है। ये पहचाने गए जो जय पाएंगे उसका पुत्र कहलाएंगे, उसके साथ सहभागिता में चलेंगे, लेकिन जो दूसरे हैं उनके लिए तो वो आग की झील है जो कभी बुझती नहीं है।
ये वो लोग हैं जो के डेलिबरेटली छोड़ देते हैं, उसे ठुकरा देते हैं, उस फॉरगिवनेस को, उस माफी को जो प्रभु यीशु द्वारा, मसीहा के द्वारा हमें मिलती है, और वो जो नथिंगनेस, जो अपनी दीनता में आते हैं, वो उसकी तरफ जाने लग जाते हैं। जो परमेश्वर के राज्य की परफेक्शन है, परफेक्शन जो है वो परफेक्ट सिर्फ स्वर्ग में ही है, और स्वर्ग से परमेश्वर के पुत्र उस परफेक्शन को ह्यूमैनिटी में ले आते हैं, यहां दुनिया में हम लोगों में ले आते हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के ऊपर ये इंसानियत को पहन लिया। उत्पत्ति में परमेश्वर इंसान में आते हैं, यहां इंसान को परमेश्वर अपने ऊपर ले लेते हैं, अपने भीतर ले लेते हैं, और फिर वो परफेक्शन इंसान में ले आते हैं। मत्ती 6 की 10 में प्रभु यीशु ने हमें सिखाया कि हम प्रार्थना करें, तेरा राज्य आए धरती पर, आपकी इच्छा पूरी हो जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। स्वर्ग में स्वर्गदूत और जो संत हैं वहां पर स्वर्ग में, जैसे वो आपकी इच्छा पूरी करते हैं, हम भी धरती पर आपकी इच्छा पूरी करें। लूका 17:21 में जो ये स्वर्ग राज्य है ये हमारे भीतर है, और इसलिए हमें परमेश्वर के हाथ की अधीनगी में उस परफेक्शन की तरफ बढ़ना है। मत्ती 5:48 में प्रभु यीशु की जो कमांड है हमारे लिए बिल्कुल क्लियर है, वो कहते हैं तुम भी सिद्ध हो जाओ क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, परफेक्ट है, और इस परफेक्शन की तरफ जो रूट है वो फेलियर के द्वारा जाता है, गिरते हैं वो उठाता है। फिलिप्पियों के पत्री 4:13 में पौलुस रसूल कहते हैं जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, और वो ये कहते हैं तरह तरह के दुख उठाने के बाद में। प्रेरितों की पुस्तक उसका 14:19 में लाइस्ट्रा में पौलुस रसूल को यहूदी लोग पत्थर मारकर मरा हुआ छोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हें फिर दोबारा जिंदा कर लेते हैं ताकि वो परमेश्वर को वचन का प्रचार करते रहते हैं। पौलुस रसूल एक स्कॉलर है वचन का, और फिर वो डिक्लेयर करते हैं वही जो मीका नबी माइका ने कहा था 7:8 यहां लिखा है, हे मेरी बैरिन मुझ पर आनंद मत कर क्योंकि जो ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा, और जो ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा, परमेश्वर मुझे उठाएगा। हम उस समय फेल हो जाते हैं, सक्सेसफुल नहीं होते, अनसक्सेसफुल हो जाते हैं जब हम उठने की कोशिश ही नहीं करते और हम छोड़ देते हैं, जबकि सफलता हमारे हाथ में पहुंचने ही वाली होती है। परमेश्वर हमारे नजदीक है हर पल, क्योंकि वो प्यार करने वाला पिता है, वो अपने बच्चे को उठाकर फिर चलाने में सहायता करना चाहता है ताकि हम फिर बल में चलते जाएं। यही है कि हम हारे नहीं, लगे रहें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद है आपका हर आशीष के लिए, पवित्र आत्मा परमेश्वर के लिए जो आपने हमें प्रभु यीशु के वायदे के अनुसार दिए हैं। हमारी सहायता कीजिए कि आपके बल और शक्ति में हम आपकी अधीनगी में चलते जाएं, क्योंकि हमारी सफलता तभी संभव है। हम गिरें लेकिन गिरे हुए नहीं, उठ जाएं आपकी सहायता में, आपकी तरफ हमारी नजर हर पल बनी रहे। पिता परमेश्वर, सारा आदर आपको देते हुए सब कुछ आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। सफलता का सही मंत्र सिर्फ एक ही है कि हम परमेश्वर पर विश्वास में उनके बल में बढ़ते जाएं। हम जो दिखाई देता है उसमें नहीं, बल्कि परमेश्वर जिन्हें हम देख नहीं सकते उन पर नजर लगाए रखें। अगर परमेश्वर ने हमें कुछ करने को कहा है तो हम उनकी इच्छा के अनुसार चलते हैं और किसी भी तरह से असफल हो ही नहीं सकते। हमारे साथ दोबारा जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू नेक्स्ट टाइम, स्टे ब्लेस्ड, शलोम।